दोस्तों, हम सभी अमीर बनना चाहते हैं, तो आज मैं आपको पांच ऐसे नियम बताना चाहता हूं जिन्हें जानकर भले ही आप बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आप आज जिस परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति से बहुत जल्द ही एक नए स्तर तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, यह मेरे अपने बनाए नियम नहीं हैं, बल्कि यह वह नियम है जो दुनिया के हर बड़े आदमी ने अपनी ज़िंदगी में उतारे हैं। और भले ही आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हों या फिर अपने ही क्षेत्र में पॉपुलर होना चाहते हों, यह नियम आपको हर जगह काम आएंगे। दोस्तों, सबसे पहला नियम है सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है कि आप इस वक्त जहां पर भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसे पूरी ईमानदारी से करें। दोस्तों, पूरी ईमानदारी का मतलब यह हुआ कि आपके दिन की 24 घंटों में से कितने घंटे आप काम करते हैं और काम करने के दौरान आपका ध्यान अपने काम पर कितना प्रतिशत होता है। दोस्तों, काम के दौरान आपका 100% मन अपने काम में होना चाहिए। भले ही आप मात्र 6 घंटे काम करें, लेकिन इस काम में आपकी ईमानदारी पूरी होनी चाहिए। 24 घंटे में से हर एक मिनट बिल्कुल सुनियोजित होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप काम के वक्त ही किसी दूसरे काम को करने लगें या फिर कोई मनोरंजन का काम करने लगें। दोस्तों, दूसरा नियम है आत्मसंतुष्टि का। दोस्तों, आत्मसंतुष्टि का मतलब यह हुआ कि अभी आप इस वक्त जहां पर भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, आपके पास जो भी साधन हैं, जो भी सुविधाएं हैं, उन्हीं के साथ आप 100% संतुष्ट रहें। दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ, अगर आपके पास इस वक्त किसी चीज़ की कमी है और आपका ध्यान बार बार उन्हीं कमियों की तरफ जाता है, तो आप अपने काम में अपना पूरा मन नहीं लगा पाएंगे। आपके दिमाग की काफ़ी एनर्जी उन्हीं कमियों पर विचार करते हुए खर्च हो जाएगी और अपने काम में 100% नहीं दे पाएंगे। दोस्तों, तीसरा नियम है धन संचय का नियम। आज इस वक्त आपके पास जितने रुपए भी हैं, जितने भी पैसे हैं, जो भी आपकी कमाई है, उसका एक बड़ा हिस्सा आपको अपनी जमा पूंजी के रूप में रखना चाहिए। दोस्तों, सुनने में यह बहुत ही सरल लगता है, लेकिन यह सबसे ज़रूरी बात है। दोस्तों, हम अपनी आम दिनचर्या में जितने भी पैसे खर्च करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हम उन चीज़ों पर खर्च करते हैं जिनकी हमें कोई खास आवश्यकता नहीं होती, और हम इन्हीं थोड़े थोड़े खर्च को अगर बचा लेते हैं तो कुछ ही समय में यह एक बड़ी जमा पूंजी बन जाती है और आप इस जमा पूंजी को आने वाले समय में किसी अच्छे काम में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, चौथा नियम है आत्म सुधार का नियम। आपके मन में हमेशा यह बात होनी चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं और आगे जो भी काम करेंगे, वह आपके पिछले किए गए काम से बेहतर होगा। आपको अपनी कमियों को हमेशा खोजना चाहिए। जब हम एक लंबे समय तक अपनी कमियों को खोजकर दूर करते रहते हैं, तो हम लगातार एक अच्छे स्तर पर पहुंचते जाते हैं और कुछ ही समय में हम एकदम बिल्कुल नए व्यक्तित्व को प्राप्त कर लेते हैं, और इस नए व्यक्तित्व में पुरानी कोई भी गलती नहीं होती। दोस्तों, पांचवा नियम है कृतज्ञता का नियम। दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि आप अपनी दैनिक दिनचर्या में जिन भी संसाधनों का उपयोग करते हैं, जिन भी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उनके प्रति आप कितने कृतज्ञ हैं। दोस्तों, दैनिक दिनचर्या में उपयोग होने वाली हर चीज़ों का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों यही वह चीज़ें हैं जिनके उपयोग से आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और अगर आप इन्हीं चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, यह थी कुछ ऐसी बातें जिनको मानकर आप अपनी वर्तमान स्थिति को सुधार कर एक नए स्तर पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, यह छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही जानकारी लाता रहूं, तो वीडियो को लाइक करके मेरा मनोबल ज़रूर बढ़ाएं। धन्यवाद।